प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रोहतास सिंह योगी आज आपको नरला के अंदर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 1931 में 23 मार्च 1931, उसी को लेकर आज शहीदी दिवस पर एक रैली निकाल रहे हैं। और ये रैली दादा मोहनदास मंदिर से होकर ये रामदेव चौक झंडा चौक पर जाकर ये समाप्त होगी। और इसमें नरला के हर नौजवान इकट्ठे होकर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देंगे। आज जो शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस पर एक रैली जो निकाली जा रही है, उस पर मुख्य अतिथि सुनीता शर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं सुनीता शर्मा जी से, आपके पति ने शहीद भगत सिंह जी के बारे में, राजगुरु सुखदेव जी के बारे में, कब उनको फांसी दी गई थी और क्या होता है? आज जैसे ही बच्चों ने हमारे नरेला क्षेत्र मोहनदास मंदिर के सामने जो आज ये शहीदी दिवस के लिए जो ये रैली निकाली है बच्चों ने, क्योंकि 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी, ये अपने भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को, उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी सेवा की थी, देश की सेवा करते करते वो अपने आप को कुर्बान हो गए, उनको फांसी दे दी गई थी उन्हीं की याद में। इन बच्चों के द्वारा हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं समाज में और युवाओं के अंदर ये भावना है कि भाई हम भी उसी तरह देशभक्त बने और अपने देश का नाम रोशन करें, तरक्की करें उन्हीं की याद में। हमें ये उनकी ये उसी से ये प्रेरणा मिल रही है, बच्चों के अंदर जो भावना जगी है कि भाई उनकी तरह हम भी अपने देश के प्रति जागरूक रहें और देश की सेवा करें, देश के प्रति जागरूक रहें, देश की सेवा करें, यही भावनाएं आज के नौजवान के अंदर भरी हुई है उठ उठ कर। उसी को लेकर आज जो नौजवानों ने ये रैली निकाली है और उसी का प्रतीक है ये कि आज भी शहीद भगत सिंह मरे नहीं, जिंदा हैं। हर बच्चे के अंदर, हर नौजवान के अंदर ये भावनाएं आज हर जवान के अंदर हैं कि शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वो तीनों शहीद हुए जरूर हैं लेकिन वो मरे नहीं, आज भी जिंदा हैं। टैलेंट मैनेजर रोहतास सिंह दोस्तों, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। आखिर कैसे मतवाले थे वो, जिन्होंने अपने या अपने परिवार की किसी की भी कोई परवाह नहीं की। आज देश उनको नमन कर रहा है, आज वो हर बच्चे के दिलों में जिंदा है। हर बच्चा चाहता है कि मैं भी शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की तरह ही बनूं और देश के किसी काम आऊं। दोस्तों, क्या उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि हम भी किसी अच्छी नौकरी या किसी उसमें बिजनेस में निकलें? लेकिन नहीं, उन मत वालों की तो एक ही इच्छा थी कि अपने देश को आज़ाद करें। और अपनी माँ से उन्होंने एक ही बात कही कि माँ मेरा चोला रंग दे, और रंग दे बसंती चोला। फांसी की सज़ा तो उन्हें पहले ही सुनाई जा चुकी थी कि 31 मार्च को उनको फांसी दी जाएगी, लेकिन क्या रणनीतियाँ रहीं, क्या कारण हुए, इस पर आज तक कोई शायद गहनता से जांच नहीं बैठी है और ना ही शायद आगे कभी बैठ पाएगी। जैसे 23 मार्च की रात को उन्हें फांसी देने का दे गई, वो क्यों? क्योंकि 31 मार्च को जो फांसी देनी थी तो 30 तारीख को गांधी जी ने कहा कि हम 30 तारीख को आंदोलन करेंगे कि उन्हें फांसी ना दी जाए, लेकिन आंदोलन से पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसी महान आत्माएं
फिर हमें कभी ना मिलेंगी और उनको कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन शहीद जो हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे जो है महान आत्माएं फिर हमें हमारे इस भारतवर्ष को नहीं मिल पाएंगी और हम पूरा देश उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अग्रसर हैं।